Assalamu alaikum. I am Sayyid Rahil Muzaffar. I am your mentor for Proctology. हम चैप्टर 16 पढ़ रहे थे और उसके हम लास्ट टॉपिक्स तक पहुंच गए हैं. आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है एनिमल्स की लोकोमोशन से रिलेटेड, और जो रिप्रेजेंटेटिव कुछ एनिमल्स बुक ने मेंशन की हैं, चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स हैं चाहे वो वर्टिब्रेट्स हैं, उनकी लोकोमोशन से रिलेटेड है. सो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो लोकोमोशन इन यूगलिना, पैरामीशियम स्नेल, अर्थफॉर्म अमीबा एंड जेलीफिश. तो इनमें एक एक करके हम लोकोमोशन को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स में लोकोमोशन होता है. पहला जी, लोकोमोशन इन यूगलिना. यूगलिना का आप सबको पता है कि इट इज अ मेंबर ऑफ फाइलम प्रोटिस्टा प्रोटोकिस्टा. यूनिसेलुलर है बट इट इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. और इनमें जो मूवमेंट होती है यूगलिना की, इसको बोलते हैं यूगलिनाइड मूवमेंट. यानी कि ये ऐसी मूवमेंट है जो कोई और ऑर्गेनिज्म शो नहीं करता बट स्पेसिफिक है. और इस मूवमेंट में जो स्ट्रक्चर यूज होता है दैट इज फ्लिजेलम और प्लूरल कहलाता है फ्लिजेला. दीज आर विप लाइक, घोड़े की तरह होते हैं ये स्ट्रक्चर्स. और यूगलिना जब अपने फ्लिजेला को बैकवर्ड मूव करता है, पीछे की तरफ मारेगा, तो बॉडी इसके आगे मूव करेगी. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फ्लिजेलम अगर उसका फॉरवर्ड मूव करेगा तो यूगलिना बैकवर्ड नहीं जा सकता. यानी कि समझने की बात यह है कि अगर यूगलिना ने बैकवर्ड मूव करना फॉरवर्ड मूव करना है तो इसका फ्लिजेला बैकवर्ड मूव करेगा. लेकिन इस बात का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जब फ्लिजेला फॉरवर्ड मूव करेगा तो यूगलिना जो है ना वो बैकवर्ड नहीं जा सकता. यानी कि तो अब इसकी अपनी ज़रूरत के ऊपर है कि इसने किस तरफ मूव कर. और जो वेव ऑफ एक्टिविटी है वो प्रोड्यूस करता है फ्लिजेला, और ये स्पायरल फैशन में, इन स्ट्रेट फैशन में, स्प्रिंग जैसे मूव करता है, इस फैशन के अंदर ये वेव ऑफ एक्टिविटी जनरेट होती है इसकी बेस से और फिर टिप तक जाती है फ्लिजेला की. ठीक है जी. और ये जो वेव है, ये जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं फ्लिजेला के मूवमेंट से, ये यूगलिना की वेलोसिटी को, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करती है. और फ्लिजेला का जो एक्टिविटी नोड है वो यूगलिना की बॉडी को मूव कराता है कि वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट भी कर सकती है. यानी इसमें रोटेटरी मूवमेंट भी आ सकती है ड्यू टू फ्लिजेला. अच्छा, यूगलिना जो ड्यूरिंग डायरेक्ट मोशन या लोकोमोशन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, वो चेंज एक्चुअली वो करता है विद हेल्प ऑफ एक्टिव कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनीम्स. मायोनीम्स आर प्रोटीन्स. ये मायोनीम्स हैं, ये पूरी इसकी पूरी बॉडी में लेंथ वाइज मौजूद होती हैं. मायोनीम्स की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उससे यूगलिना की शेप भी चेंज होती है और उससे उसकी डायरेक्शन पे भी फर्क पड़ता है. होता यह है कि पहले बॉडी जो है वो शॉर्ट होती है इंटीरियर एंड पे, फिर वाइड हो जाती है, फिर इसी तरीके से मिडल में शॉर्ट होती है, फिर वाइड हो जाती है, और फिर पोस्टीरियर एंड पे शॉर्ट होती है, वाइड हो जाती है. और इसके थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए ये आप देख सकते हो कि इस तरीके से यूगलिना मूव करता है, और आप इसके इवन शेप के ऊपर जो चेंज आ रहा है उसको भी आप इजीली देख सकते हो. तो दैट वाज ऑल अबाउट लोकोमोशन इन यूगलिना. इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है. अच्छा, फिर है जी पैरामीशियम में लोकोमोशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ही आता है 4 नंबर का, तो इसलिए ज़्यादा है, इसके अंदर टेक्स्ट भी ज़्यादा है. अब जो पैरामीशियम है वो भी प्रोटिस्टा से इसका ताल्लुक है, और यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है, और ये सीलियम या सीलिया के थ्रू मूव करते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब जो पैरामीशियम की बॉडी है इट इज़ ऑल कवर्ड विद सीलिया, लेकिन सीलिया साइमल्टेनियसली मूव नहीं करते. यानी एकदम ही सारे मूव नहीं करते, कुछ मूव करेंगे कुछ नहीं करेंगे. होता ये है कि बहुत सारे जो टोटल सीलिया, उसमें से बंच ऑफ सीलिया एक वेव लाइक मैनर में मूव करते हैं, और वो मैनर प्रोग्रेसिव होता है जिसकी वजह से प्रोग्रेशन आती है. पैरामीशियम एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकता है. और ये जो वेव है ये एंटीरियर एंड से स्टार्ट होती है और ये जाती है टुवर्ड्स पोस्टीरियर एंड, और इस मूवमेंट को बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट. तो उससे पहले कि हम इसका मैकेनिज्म पढ़ें, इसका पहले स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है. अब सीलिया क्या है, आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में भी, कि ये शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन से बनते हैं फ्लिजेला के मुकाबले में शॉर्ट होते हैं. अब जो लेंथ है सीलिया की वो वेरी करती है, वो सेवरल माइक्रोन भी हो सकती है और वो सेवरल 100 माइक्रोन भी हो सकती है, जिसकी वजह से इसका डायमीटर चेंजेबल है. डायमीटर इसका है 0.1 माइक्रोन मीटर टू 0.5
माइक्रोमीटर। अब एक सिलियम में होता क्या है, एक सिलियम में जी 9 पेरीफेरल डबल फिब्रल्स हैं, यानी तादाद 9 है, उनकी लोकेशन सेल पेरीफ्रीज के अंदर है, बॉर्डर साइड पे है, और उसमें क्या है डबल फिब्रल्स हैं, यानी दो दो फाइबर्स हैं, और ये फाइबर्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि 8 जो नंबर है उसकी शेप बन जाती है, और 9 पेरीफेरल फिब्रल्स के अलावा 2 स्मॉलर फिब्रल्स जो कि सेंटर में, तो इसकी भी हम डायग्राम भी देखेंगे। अब ये जो फिब्रल्स हैं ये पूरे सिलियम में लेंथ वाइज मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो इस पर मैकेनिज्म है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, लेकिन 1955 में ब्रैडफोर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने मैकेनिज्म सजेस्ट किया था कि सिलिया की जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो डबल फिब्रल्स की स्लाइडिंग है दो ग्रुप्स में, यानी वो साइमल्टेनियसली वो ग्रुप्स एक्ट नहीं करते, वो ऑल्टरनेट वे में बिहेव करते, उसकी वजह से सीलिया बीट करता है, पेरिमेशन मूव करता है। अब वो दो ग्रुप्स किस तरीके से काम करते हैं, वो दो फेजेस में काम करते हैं। पहला है इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या है कि 9 डबल फिब्रल में से जो पहले 5 हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या इकट्ठे स्लाइड करते हैं, इससे सीलिया बेंड हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। और फिर 9 में से बकाया 4 जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इससे सीलिया स्ट्रेट हो जाता है और इसको बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। तो अब आप देखो ये फ्लेजेला की ट्रैक्शन मूवमेंट है, ये सीलिया की मूवमेंट है। सीलिया में देखें फ्लेजेला एक ही है, सीलिया बहुत सारे हैं। सीलिया इधर बीट कर रहा है इसका, तो उसकी रोटेटरी मूवमेंट हो जाती है इस तरीके से। ये है जी एक सीलियम, इसमें 9 डबल हैं, पेरीफेरल फिब्रल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। चूंकि ये बॉर्डर पे हैं तो पेरीफेरल हैं, चूंकि ये फाइबर के फॉर्म में तो फिब्रल्स हैं, लेकिन चूंकि दो दो हैं इसलिए इनको पेरीफेरल डबल फिब्रल्स कहा जाता है। और सेंटर के अंदर आप देख सकते हो दो ही हैं, स्मॉलर हैं। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है सीलिया का, और सीलिया एटीपी यूज़ करता है। जब सीलियम मूव करता है तो एटीपी की एनर्जी इसको प्रोवाइड की जाती है ताकि ये मूव कर सके। फिर है जी लोकोमोशन इन अमीबा। अमीबाइड में अमीबाइड मूवमेंट होती है, अमीबा मूव करता है सूडो पोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडियम इन फुट, यानी फॉल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर, वो फुट नहीं होता, फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, और ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं कि जिस भी डायरेक्शन में इन्होंने मूव करना है उस डायरेक्शन में ये अपने साइटोप्लाज्म को मूव करेंगे। साइटोप्लाज्म की प्रेशर की वजह से सेल का वो पार्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे नाम देते हैं सूडोपोडिया। जैसे अभी देखो ये प्रे है, ये अमीबा है, अमीबा ने अब इसको खाना है, तो उसने साइटोप्लाज्म को इस डायरेक्शन में मूव किया जिसकी वजह से ये पार्ट एक्सटेंड हो गया और ये फूड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, फूड कप बन गया, और इस तरीके से फूड वैक्यूल बन जाएगा। तो इसका भी एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, जिससे इतना पता है कि सूडोपोडिया बनते हैं और उसके थ्रू एग्जैक्ट मूवमेंट होते हैं। सूडोपोडिया कैसे बनते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, ये मैकेनिज्म अभी तक नहीं पता। फिर जो लोकोमोशन इन जेलीफिश, जेलीफिश में आपको पता है एक अम्ब्रेला लाइक एक बॉडी स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं बेल, उस बेल के अंदर एक्चुअली पानी आता है। मैकेनिज्म क्या है कि वाटर एंटर होता है बेल में, ठीक है, बेल फैल जाएगा, फिर उसके बाद बेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो पानी को फोर्स के साथ निकालेगा, ठीक है। जैसे जहाज उड़ता है, जो जंगी जहाज है, जब उसमें फ्यूल जलता है तो उसकी बैक साइड से रेयर साइड से धुआं निकलता है स्पीड के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से जेट को आगे की तरफ फोर्स मिलती है और वो आगे की तरफ मूव करता है। तो इसमें भी यही होगा कि ये जो बेल है ये वाटर को अंदर इंटेक करेगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पानी तेजी से बाहर निकलेगा, जब पानी निकलेगा तो वो उस ऑर्गेनिज्म को आगे की तरफ पुश करेगा। तो इस तरीके से एनिमल की फॉर्म मूवमेंट होती है। बहुत सारी आपको एनिमेशन मिल जाएंगे यूट्यूब पे जाके, आप जरूर देखिएगा, आप देखेंगे चैनल में मूवीज में भी देखा हो तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है बेल और पानी को निकालता और फिर छटकी के साथ जेलीफिश ऊपर की तरफ मूव करती है। फिर जी अर्फा में लोकोमोशन, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। अब इसके अंदर होती है अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट। अकॉर्डियन क्या होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का जिसको पकड़ के ऐसे कम और ज़्यादा करके बजाते हैं, दिस इज अकॉर्डियन। अकॉर्डिंग लाइक मूवमेंट होती है और इसमें सीटें और मसल की हेल्प से ये मूवमेंट करता है। अब मैकेनिज्म क्या है, इसको मैं रीड करता हूँ क्योंकि ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस ज़्यादा इसलिए लिखा था कि एक एक लफ्ज आपको पता लग सके। फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी ऑफ अर्थवर्म बिकम लॉन्ग एंड थिन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल। हम पहले पढ़ चुके हैं सर्कुलर मसल होते हैं जो कि डायमीटर वाइज होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायमीटर कम हो जाता है, बॉडी थिन और लॉन्ग हो जाती है। सीटे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंटीरियर साइड में लोअर इंटीरियर सरफेस पे लोअर साइड पे मौजूद होते हैं, वो निकलते हैं और सॉइल के ऊपर अपने उस पोर्शन को फिक्स कर लेते हैं ताकि मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सके।
फिर जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्कुलर मसल रिलैक्स करते हैं, बॉडी शॉर्ट हो जाती है। ज़्यादा लेंथ वाइज मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी की लेंथ कम हो जाएगी, उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, फिर ये पोर्शन आगे की तरफ मूव हो जाएगा। अब सीटें जो एंटीरियर एंड पे वो फ्री हो जाएंगे और जो पोस्टीरियर एंड की सीटें हैं वो निकलेंगे और वो ज़मीन पर अपने आप को फिक्स कर लेंगे। फिर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लॉन्जिट्यूडिनल मसल रिलैक्स करेंगे। तो इस तरीके से ये वेव चलती है ऑल्टरनेटिव, ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहता है और सीटें और मसल्स की मदद से ये मूव करता है। जैसे डायग्राम हमने पहले भी देखी थी कि ये ब्रिस्टल्स हैं या सीटें आप इनको कह लो, सीटें और होते ब्रिस्टल और होते बर्फ। यहाँ पे आप देखो कि जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स करते हैं और सर्कुलर मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी की लेंथ बढ़ जाती है, जब लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स करते हैं तो बॉडी की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। तो आप देखो कि ऊपर वाली डायग्राम में ये अभी यहीं तक है, उसके बाद फिर ये यहाँ तक आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आगे चला जा रहा है। तो इट मीन्स कि पूरी बॉडी के अंदर एक ऑल्टरनेटिव वेव चलती है, इस अकॉर्डिंग की तरह के मूवमेंट होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, डायमीटर कम ज़्यादा होता रहता है। और एक इस मदद से फिर ये सिर्फ मसल इसमें इन्वॉल्व होते, इसके सीटें भी इन्वॉल्व होते हैं चूँकि वो होल्ड करते हैं ज़मीन को ताकि मसल इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। जैसे ईशू फिगर्स की मूवमेंट होती है ऑलमोस्ट इस तरह की, इसमें ये मूवमेंट है। फिर पास्ट पेपर का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें डायमीटर ये पूछा गया है, सीईआर का कितना होता है वो हम पढ़ चुके हैं, अफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक में क्या फ़र्क है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि जेट प्रोपल्शन मूवमेंट क्या होती है। फिर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अमीबा के अंदर लोकोमोशन है उसको एक थ्योरी एक्सप्लेन करती है, उसको बोलते हैं सोल जेल थ्योरी। अच्छा, फिर आपने जो काम करना है वो ये देखना है कि मायोनियम का स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा सीलियरी मूवमेंट और फ्लेजरल मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। कोई क्वेश्चन हो बच्चे हो तो जरूर पूछें, आई होप आपको समझ आएगा, इंटरेस्टिंग से हैं, जल्दी याद भी हो जाएंगे, नहीं याद समझ आता तो अगेन पूछ लें। इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्वेश्चन ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए।